ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जय महाराष्ट्र। मार साले का खोपड़ी तोड़। अरे माधर नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ ली वाई और स्वागत है आप सभी और एक नए चीरफाड़ गेम प्ले में। तो फाइनली हमने भी पबजी को अपडेट कर ही लिया है और हमारी ये तीसरी चौथी मैच है रेंगल 2.0 की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुई क्योंकि इस मैच में बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको, फनी और इंटरेस्टिंग मूवमेंट, आपको मज़ा आ जाएगा देख के। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फिलहाल हमें मिली है M16 और AKM। तो सामने वाले बंदे को हम M16 से टपाटप करके नॉक कर देते हैं और उसके दूसरे बंदों को भी हम गिराने की कोशिश करते लेकिन हल्का ही डैमेज दे पाते। लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे पुश कर लेते और उनकी कैसे चीरते हैं अब देखो आप। पहले उनकी ऑलरेडी फाइट चल रही होती लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाकर हम अपना खाता खोल लेते हैं एक किल के साथ और दूसरे बंदे को मारने की कोशिश कर लेते, लेकिन साला भड़वा हमारे ही पार्टनर को मार देता है। लेकिन सही टाइम पे कवर देने की वजह से हमारा पार्टनर जो है वो बच जाता है। तो जल्दी से यहाँ पर थोड़ा लूट लेते हैं और पूरा साफ कर लेते हैं पोचिंगी को। यहाँ पर मेरे सामने शायद तक बंदा है जो कि ओ ये तो वेरी नाइस बॉट है, ये तो मेरा पसंदा बॉट है, मन करता है कि मैं AKM से इसे तबल तबल करके टापे मारूं। तो इसको बॉट को ख़त्म करने के बाद ज़्यादा कुछ बंदे थे नहीं पोचिंग के में, तो हम यहाँ पर मिल्टा साइड में आ गए जहाँ पर ऑलरेडी दो स्क्वाड्स के बीच लड़ाई चल रही होती है और सामने धुआं धुआं हो चुका होता है। तो उतने में ही मेरे पार्टनर पर स्प्रे आता है, वो नॉक होता है लेकिन हम उसको बचाने में कामयाब होते हैं और एक बार कवर फायर दे के। लेकिन उतने में ही पीछे से और एक बंदे ने मेरे पार्टनर को नॉक कर दिया जो कि आगे था बंदा कैम कर रहा, तो उसको गिराने की कोशिश करते हैं हम। तो वो बंदा मुश्किल से एक ही HP बचा होगा क्योंकि सबसे पहले मेरा स्प्रे उसे कनेक्ट हुआ। तो जल्दी से यहाँ पर रिवाइव होते हैं लेकिन उतने में ही हमें और एक गनशॉट्स आता है जो कि एक बॉट रहता है, जो कि हम छोड़ते नहीं भाई कभी भी बॉट को, लेकिन बॉट के चक्कर में हमारा ही क्या होता है अब देखिए आप। तो सही टाइम पर हमें रिवाइव मिल जाता है राइजन की तरफ से, लेकिन उतने में ही आगे वाली स्क्वाड जो है हम पर रश कर देते, अभी उसको कैसे चीरते हैं अब देखिए आप। तो इन दो बंदों को मारने के बाद हम सोचते हैं कि भाई पहले जोन चलते हैं, जोन में जाके देखा जाएगा जो भी है आगे का। तो हम जोन को निकलते हैं लेकिन जाते ही हमारे साथ एक स्कैम हो जाता है। मादर चोद उधर से निकल जाओ यार, गांड भाड़े पड़े हो। तो इस सुकृत नाम के बंदे ने हमारे नाक में बहुत ही दम कर लिया था लेकिन उसका बदला हम उसके गांड में कैसे सलिया घुसा के लेते अब देखिएगा आगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर और एक बंदे को नॉक कर देते और बाकी थे अभी इनको मारने के बाद दो ही बंदे, जिसमें से एक को वाइपर ने हेडशॉट देके ख़त्म कर दिया। तो मैं बोलता हूँ भाई इसका नाटक बहुत हो गया, अभी इसको तो भाई चीरना ही पड़ेगा। तो हम सीधा बैठते हैं बग्गी में और पुश कर लेते हैं उस पर सीधा और उसको कैसे AKM से घुसा देते हैं अब देखिए। मर गया साला भोसड़ी का, कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था। तो हो गई हमारी पहली मैच और ये है दूसरी मैच जो कि बहुत ही इंटेंस होने वाली है पहली मैच से भी। तो हमें फिर से मिल गए हैं AKM और M762। तो उतने में ही मेरा टीममेट बोलता है कि भाई तेरे आगे एक बंदा है वहाँ से एक रोटेशन दे। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे उसके फुटस्टेप सुनाई देते हैं जो कि आगे वाले घर पे था। अब हम उसको कैसे थपाक करके नेट से गिराते हैं अब देखिएगा आगे। तो इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं बोलता हूँ उनको कि उसको थोड़ा मजा लो, उसकी थोड़ा आल पे मजा लो, लेकिन वो उसको ख़त्म कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, इसको थोड़ा लूट लेते हैं। उतने में इसका पार्टनर जो है इसको बचाने की फिराक में आ जाता है लेकिन उसको मैं थोड़ा हल्का सा ही डैमेज दे पाता हूँ। तो हम सीधा रश कर देते हैं मेरे कहने पे क्योंकि वो थोड़ा डैमेज था। तो जैसे ही हम पुश करने जाते हैं उतने में ही मेरा पार्टनर जो है उसको नॉक कर देता है, तो हम उसको जो है टपाटप करके किल कर देते हैं।
तो इसको लूट कर हम आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि हमें और एक बार एक वेरी नाइस बॉट मिल जाता है जो कि हमारी केडी बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो थैंक यू नाइस बॉट। अभी होगी भाई यहाँ पर बहुत ही खतरनाक वाली फाइट। अभी आपको बताऊंगा मैं कि उजी का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो एक बंदे को हमने उजी से पहला और दूसरे को एकेएम से डैमेज दिया, लेकिन उतने में ही हमने दोनों को भी ख़त्म कर दिया, वो भी उजी से। अब आप देखोगे हमारे ऊपर और एक बंदे ने रश कर दिया गाड़ी लेके, लेकिन हम उसको मार नहीं पाते, हमारा टीममेट जो है उसको ख़त्म कर देता है। अभी आप देखोगे उजी का बेहतरीन इस्तेमाल, मतलब कैसा दूर का बंदा हम उजी से गिरा देते हैं, अब देखोगे आप। तो हमारे सामने घर में एक बंदा है जो कि हमें दिख जाता है। अभी आप उजी का कमाल देखिए भाई, कितनी पावरफुल गन है। तो भाई इस खतरनाक स्प्रे के लिए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है यार। फिलहाल हमारे पार्टनर को और एक बंदे ने नॉक कर दिया है, तो उसको बचाने के लिए जैसे ही हम आगे बढ़ने जाते हैं, लेकिन हमारे जाने से पहले ही जो है हमारे पार्टनर जो है उसको बचा लेते हैं उस बंदे को निपटा कर। तो जल्दी से बैठते हैं गाड़ी में और बढ़ते हैं गटका की तरफ। जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं और गटका की तरफ बढ़ते हैं, हमें एक यूएसए दिख जाते हैं और फुटस्टेप भी आ जाते हैं बंदे के जो पिछले वाले घर में बैठे थे। अभी इन लोगों कैसे खतरनाक तरीके से पेलते हैं अभी आपको मालूम पड़ेगा। तो सबसे पहले हम उतरते ही नेट ट्राई करते हैं, जो कि बदकिस्मती से नाकामयाब होता है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। लेकिन जैसे ही हम दूसरे नेट की पिन खींचते हैं, उतने में ही ऊपर से और एक बंदा जो है नीचे कूद जाता है हमको मारने के लिए। लेकिन वाइपर का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल रहा M762 का, जिससे वो नॉक कर पाया। हम दो नेट और खींच कर फेंक देते हैं उन पर, जिससे वो बहुत हद तक डैमेज हो जाते हैं। तो भाई हम बोलते हैं इनका नाटक बहुत हो गया साला, एक भी नॉक नहीं हो रहा। अभी जाकर इन भड़वों को कैसे चीरते अभी मालूम पड़ेगा आपको, लेकिन हमारे साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। फिर भड़वो पबजी वाले ने काय का लवड़े का अपडेट किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई। बहुत ही ग्लीचेस विचेस भर के इस गेम में। अगर आप भी ऐसा ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, क्योंकि भाई दुख दर्द बांटने के लिए आप लोग साथ में होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो फिलहाल हम चारों को छोड़ के और भी दो बंदे बाकी थे, तो उतने में ही हम गाड़ी लेके निकलते हैं। तो उतने में ही वाइपर के गाड़ी के नीचे एक बंदा जो है गलती से आ जाता है, तो उसी की वजह से वाइपर के खुशी का जो बोलते ना फूले नहीं समा पा रहा, वैसा कुछ सीन हो जाता है। वो उसको बहुत ही खुशी में नाच रहा होता है वाइपर। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर से ओनर था मेरे साथ में, तो उतने में ही ओनर पर जो है फायर आ जाता है। तो ओनर के पास थी M249, लेकिन M249 होने के बावजूद भी जो है ओनर जो है आगे वाले बंदे से P19 से नॉक हो जाता है। लेकिन हम हमारे AKM से उस बंदे की बूंद फाड़ते हुए ओनर की जान बचा लेते हैं, और उसी के साथ राइजन के मुंह से ये वाला निवाला आखिरी हम छीन लेते हैं इस बार। तो चलो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। हम हमारे चैनल पर पबजी के साथ साथ और भी नए गेम प्लेस ट्राई करने वाले हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े जरूर रहिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए दिस इज लीवाई साइनिंग ऑफ।